मुंडा कहंदा मैनू बन मेरी हनी बनी रेंज रोवर है गड्डी सूट है अरमनी मैं के जावे जावे चाहिदा है मैनू बस प्यार मेरे डैडी कोल मुंडे आवे बहुत मनी मेरे डैडी कोल मुंडे आवे बहुत मनी। सारा खान को तो आप जानते ही होंगे, आप उन्हें जानते तो हैं लेकिन उसके असली नाम से नहीं बल्कि टीवी सीरियल में निभाए गए किरदार से तो जरूर जानते ही होंगे। सारा खान कोई और नहीं आपकी साधना है, जिसे आपने टीवी सीरियल विदाई में देखा था। आपकी साधना इस बार आपके लिए नया टीवी सीरियल नहीं बल्कि एक नया सॉन्ग लेकर आई है। इस गाने का नाम है हनी बनी, जिसे लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है। साथ ही सारा के बारे में एक बात जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि हनी बनी को सारा अली ने गाया है। सारा अली ने अपने इस गाने को लेकर मीडिया से बातचीत की, आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। हेलो सारा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग? वेरी वेल, थैंक यू सो मच। एंड दिस न्यू सॉन्ग हनी बनी इज कमिंग एंड इट्स मेकिंग क्वाइट अ बज दीस डेज, सो वेयर द जर्नी हैज स्टार्टेड, कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे सिंगिंग में आना हुआ, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। वेल, आई स्टार्टेड सिंगिंग सिंगर तो हमेशा से ही, आई ऑलवेज लव सिंगिंग, आई ऑलवेज इन्जॉयड म्यूजिक अ लॉट। बट टू ईयर्स बैक आई संग ट्रैक होश वालों को खबर क्या अलॉन्ग विथ माई इंग्लिश जो मुझे पसंद है, सारे ऑल मैशअप बना के मैंने गाना प्रिपेयर किया, ट्रैक तैयार किया एंड देन आई जस्ट पोस्टेड इट एंड एवरीबडी टोल्ड मी व्हाई डोंट यू, व्हेन यू कैन सिंग यू शुड डू इट। And sometimes when you are just busy in acting, you don't think कि आपके पास क्या special talent है, आप किसको आगे उसके साथ बढ़ सकते हो। सारा लोग काफी पसंद कर रहे हैं गाने को, बहुत likes और बहुत views मिल रहे हैं, तो आपने सोचा था शूट करने से पहले ऐसा response आएगा? See, कोई भी चाहता है, चाहत तो किसी की भी होती है कि when you're making something, people should appreciate it, should like it. सो ऑब्वियसली चाहत मेरी ज़रूर थी, बट अभी स्टार्ट हुआ, अभी येस्टरडे ओनली वी हैव रिलीज दिस सॉन्ग। इट्स इन पंजाबी, राइट? या, इट्स इन पंजाबी। तो पंजाबी में जाने का कुछ स्पेसिफिक कारण था कि हिंदी नहीं करना? कुछ चीज़ें ऐसी नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिंदी में बोलते हुए बुरी लगती हैं, पर वही चीज़ आप पंजाबी में जब बोलते हो तो वो बहुत ब्यूटिफुल साउंड करती हैं, ये मैंने नोटिस किया है। और मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बचपन से पंजाबी सरदार ही रहे हैं और मैं उस बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा रही हूँ, पंजाबी सराउंडिंग्स मेरे बहुत सारे रहे हैं। सो आई व्हेन आई वाज मेकिंग माय फर्स्ट सॉन्ग ब्लैक हार्ट, सो उसमें जब मुझे कुछ चीज़ें अपने बारे में बतानी थी तो जब वो पंजाबी में मैं सोच रही थी तो वो ब्यूटीफुल लग रही थी, ऑन दी अदर हैंड हिंदी में वो थोड़ी वियर्ड लग रही थी। सो वहाँ से फिर पंजाबी से मुझे पता नहीं क्यों पंजाबी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा प्यार है, आई जस्ट लव दिस लैंग्वेज। उर्दू एंड पंजाबी इज़ समहाउ बहुत सिमिलर है, so I just love Punjabi language, so I make mostly my songs in Punjab. Punjab और पंजाबियत की बात करें तो उसका एक अपना swag है, yeah. उसका अपना tone है, yes. तो वो tone आपने कैसे पकड़ा, कहाँ से लिया, बचपन से ही आपको, जैसे आपने बोला दोस्त से? जी, मेरे दोस्त मेरे आसपास हमेशा, my best friend is सुरभि डावर जो कि भोपाल से, she is पंजाबी, and अंगद हसीजा जो मेरे यहाँ पे best friend है वो भी पंजाबी, तो उन लोगों के साथ रह रहे के मुझे पूरे टाइम पंजाबी सुन सुन के आई नो इट वेरी वेल नाउ। आई कांट स्पीक फ्लुएंटली इन पंजाबी, आई कैन अंडरस्टैंड एंड जब भी मैं कुछ लिखती हूँ तो वो डेफिनेटली आई नीड समबडी टू यू नो करेक्ट इट, सो दे डू इट एंड देन। सारा वीडियो जब भी किसी भी इस तरह का एल्बम आता है उसका वीडियो शूट करा जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कहाँ शूट करा गया? वी शॉट दिस हनी बनी सॉन्ग इन दुबई बिकॉज हमें बहुत लाविश कार्स एंड वी वॉन्टेड टू शो ह्यूज बिल्डिंग्स, सो दुबई इज़ माई फेवरेट प्लेस, सो हमने वहाँ पर शूट किया ऐसे एंड द कार्स आर वेरी ईजिली अवेलेबल देयर, प्लस यू हैव गुड ब्रॉड रोड्स वेर यू कैन शूट नाइसली, सो दैट इज़ द रीज़न वी चोज दुबई। गाने गाने वाली हूँ, हाफ ऑफ देम आर नेहा कक्कर सॉन्ग, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बहुत ही इंस्पिरेशनल है नेहा, आई जस्ट लव हर। एंड बाकी आई लव Jennifer Lopez, she's amazing, I just love her and yeah, so I'm just trying to follow my idols and trying to grow. कितने
Really, this is a big compliment for me. Thank you so much. A few people have said that. But thank you so much.